जुमेरात का दिन था, जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज जैनब बेटी जो है ना वो छुपारा पढ़ने गई, तो उसके बाद घर वापस नहीं आई। उस वक्त मदीने शरीफ में था, तो ये इत्तला मिली कि आपके घर के गिर्द करीब ना वहाँ कोई बच्ची मिली है। घर वालों में नहीं इतना हौसला था, वो मुझे बता दिया। जब उन्होंने ये मुझे बताया ना, तो मेरे दिल ने उसमें गुवाही दी कि वो जाने भी है। जी मैं उस वक्त सऊदी अरब में उम्रे के सिलसिले में गया हुआ था, तो जुमेरात का दिन था और तकरीबन 4 जनवरी की रात थी, शबे जुमा थी। रात सऊदी अरब के टाइम उस वक्त रात 12 बजे थे, मतलब उधर के 12 और यहाँ के 2 बजे थे, जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज जैनब बेटी जो है ना वो मेरी अपनी खाला घर जाती थी सुपारा पढ़ने, तो आई वो छुपारा पढ़ने गई, तो उसके बाद घर वापस नहीं आई, तो अभी तक मिली नहीं। हम सारा मतलब हम सब डो उसको ढूंढे हैं, तो इस मतलब उन्होंने मुझे इतला की बताया वहाँ पर कि इस तरह ना हो गया मामला ये सारा। तो हम तो खैर वो उन्होंने इतला की, फ़ोन बंद कर दिया, बड़ी परेशानी देख के मतलब ये मामला बन गया। तो फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, मैं तो ज़ाहिर वहाँ उस वक्त मदीने शरीफ में था। हम अभी हम जैसे मस्जिद नबी शरीफ से बाहर निकल के अपने होटल में अपने रूम में पहुंच रहे थे, जब फ़ोन गया मैं कि जैनब की गुमशुदगी की इतला जब उन्होंने किया, तो फिर मेरे साथ मेरी फैमिली मिसेज भी थी, वो बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत उनकी डिस्टर्ब हुई, मतलब उनको संभालना मुझे बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने उनको देखे तो अपने आप को संभाला कि अगर मैंने अपने आप को संभाला तो ये सूरत हाल खराब हो जाएगी, उसको हौसला देने के लिए। तो मतलब एकदम जैसे शौक था बहुत बड़ा कि जैनब मिल नहीं रही, क्या वो कहाँ चली गई है, क्या है। हाँ जी बस फिर यही था कि फ़ोन पर मुसलसल अब रबते थे भी कोशिश कर रहे हैं, फिर वो मुझे सोशल मीडिया पर मतलब मेरे पास पोस्टें आनी शुरू हो गई, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जैनब की पिक्चर जो अखबार आता पर खबर लगी थी वो वायरल होनी शुरू हो गई। फिर वहाँ जो DPO साहब घर आए ना, तो उन्होंने फिर DPO साहब से मेरी फ़ोन पर बरह रात बात भी कराई, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया कि देखिए हम भी अल्लाह ताला उसके बीच के मारने वाले हैं, और पीरों फिरों में हम हर ऐसे लोगों से भी रबते कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के नेक आदमी कोई ना कोई दुआ करते हैं, जब वो अपना सिलसिला जैसे भी है तो आप वहाँ पर दुआ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो हम भी उन्होंने तसली दी इंशाल्लाह ताला हम जो है ना जल्दी इसको जैनब बेटी को जो है ना रिकवर कर लेंगे। 6 तारीख को हमारी वहाँ से रवानगी हो गई इतवार के दिन मक्के शरीफ, तो वहाँ गए फिर जाके उमरा किया, जैनब बेटी के नाम पर उमरा किया वहाँ पर। तो मंगल के दिन जब हम जोर की नमाज पढ़ने गए ना हरम शरीफ में, बैतुल्ला शरीफ में हरम की नमाज जोर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ लिए तो मुझे फ़ोन आया लाहौर से किसी दोस्त ने फ़ोन किया, ये इतला मिली कि आपके घर के गिर्द करीब ना वहाँ कोई बच्ची मिली है, मतलब कोई बच्ची का पता चला है वहाँ पर, कोई बच्ची की जो है ना एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा करीब किसी को नहीं जाने दे रहे, ये नहीं पता भी किसकी है, वो फरानक वाले आएंगे वो उसके बाद वो अपना जो भी है वो मतलब सारा बताएंगे कौन है क्या है, उन्होंने जो भी उनका तरीकाकार है वो जो उनके सैंपल वगैरह लेते हैं सारा, तो लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो है कि, लेकिन एक बच्ची वहाँ मिली है। जब उन्होंने ये मुझे बताया ना, तो मेरे दिल ने उसमें गुवाही दी कि वो जैनब भी है। मैं क्या क्योंकि वहाँ पर किसी और की बच्ची को लापता है ही नहीं, किसी की और कोई बच्ची घूमी नहीं है कोई जो मेरे दिल में हुई हो।
तो घर वालों में नहीं इतना हौसला था, वो मुझे बताते। ये लाहौर से मेरे एक दोस्त थे, वो पहले काफ़ी देर 10-12 साल अमेरिका में रहे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मैं समझ गया मैं नहीं ये वो जाने भी है। फिर मैंने फिर खुद फोन किया अपने भाई को, उसने मैंने कहा भी यार वो इस तरह मुझे पता चला, तो वो कह रहा था कि मैं ना पीर वाले रोड पर हूँ, जहाँ वो जैन CCTV क्लियो नहीं जो कैमरों में आई थी, हम उधर उसको सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे इस तरह पता चला कि हमारे घर के करीब उधर कोई है, तो उन्होंने मतलब समझ लो भी इतना किया मुझे बताने से, वो अभी नहीं बताना चाह रहे थे मुझे ना, तो मैं मुझे पता तो हम जाते हैं देखते हैं जाकर उधर, तो इस तरह ना मतलब वो, लेकिन मैं मुझे मालूम दिल में मेरे ना वो यानी कि कैफियत ही ऐसी हो गई थी कि वो जैन भी है। जब वहाँ पर जो मेरे दोस्त ने बताया ना, तो मैं समझ गया कि ये जाने में मिली है। तो पर क्या मैंने अपनी रिश्त को नहीं बताया, हम वापस अपने होटल में आए हैं। फिर मैंने कमरे से बाहर आ गया ना, तो फ़ोन करने शुरू कर दिया अपने अजीज़ों को कि वापसी की टिकट का फौरी अरेंज करें। फिर उनसे भी पता चल गया मुझे, थोड़ी देर बाद फिर वेरीफाई हो गया कि वो जाने में है। इस्लामाबाद जब मैं पहुँचा हूँ, तो मुझे इस वक्त भी मतलब जो यहाँ के पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैं जब गया तो वहाँ से मुझे वो जना वो एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल दे के बाहर लाया गया। यहाँ से वो हमारी यहाँ साहब का एमरे थे तो मनूर साहब, उन्होंने हमारे करीब ही रहते हैं ना, उन्होंने को रेंज किया हुआ था। तो जब हम त्यारा हमारा लैंड हुआ तो साथ ही गाड़ी एक आ खड़ी हुई है, उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो उसी वक्त वहाँ ले गया। बाहर के काफ़ी लोग खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने कहा भी आपको ना 5 मिनट के लिए एयरपोर्ट के दूर के बाहर लेके जाना है, क्योंकि हमारी अगली 6 बजे की फ्लाइट थी वापसी लाहौर की, तो टाइम बहुत शॉर्ट था उसमें। तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो मतलब पूरा मोहल्ला बाजार सारे मतलब वहाँ से भरे हुए थे, यहाँ पर तो गुजरने का रास्ता ही नहीं था। बस वो उसके बाद ये तमाम तार एजेंसियों के यहाँ पर जो उनके बड़े लोग अफिसरान वगैरह सरबराहान यहाँ पर आने शुरू हो गए। नहीं मुझे किसी पर शक नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरे मल्लेदार मेरे एक दो दीदों ने एक लड़के की इंडिकेशन की थी, वो लड़का यही मुजरम था, इसी पर उन्होंने बल्कि इसको उन्होंने जनाजे वाले दिन ही पकड़वा दिया था। तो लेकिन इस पर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो रात को 2 बजे इसके साथ एक आदमी था सेल में बांधे नशेई, उसको नशेई को नशा मिले ना मिले तो उनकी तबीयत बीमार का खराब हो जाती है। उसने वो 1 बजे वहाँ पर हवाला में गुमटी की, तो उसको उन्होंने बाहर निकाला, सफाई भी की, जाहिर अंदर उल्टी गंदगी बदबू वगैरह फैल जाती। तो उसके बाद ये तो काफ़ी इनके चलाव था, उसने रात को ड्रामा कर दिया कि मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये था कि उस दौरान इन्होंने यहाँ से वो 4 बजे रेस्ट करके ले गए और उन्होंने 100% यकीनदानी के साथ कहा कि ये हमारा मुजरम यही है, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर उसको इंटरोगेट नहीं किया। रात 2 बजे तक अगर वहाँ रहा तो मकसद ये था कि इनको इसको इंटरोगेट कर दे, अगर इसको उस वक्त इंटरोगेट कर लेते तो जो बाद में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, जो उसमें 2 बंदे शहीद हो गए हैं, बल्कि एक तीसरा था वो अगले दिन एक्सपायर हुआ है पतुगी का था, तो वो जाने बच जाती, जो लोग जख्मी हुए इतना नुकसान हुआ वो मामला ना होते। जब वो जैन बेटी को लेके जा रहा था उस वक्त इसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, अब वो उसने शेखपुरा आ दी अपनी। तो लेकिन इसकी चाल से मेरा एक भतीजा था, उसने इसको इसने वो एक जैकेट पहन के ना, तो उसी तरह ये एक हाथ इसका जैकेट के जेब में था और एक बाहर था, तो उसने इसको पहचान के तो मेरे भाई को इसको बताया, छोटे भाई अफजनान को, कि ये जा रहा लड़का मेरे दरवाजे से आके घुरा, जुम्मे के दिन था, अगले दिन ही नहीं कि जुमेरा था जैन मुंबई था, तो जुम्मे के दिन ही उसने इसको बताया पिछले टाइम शाम के वक्त इधर गुजरा कि यार ये देखो ये लड़का बिल्कुल मुझे ना ये इसकी चाल से और उसके जिस्म से जैसे जा रहा ना वो जैसे वो जैनों को लेके जा रहा, एक हाथ उसमें जैनों को पड़ा दूसरा पॉकेट में डाल ये जैकेट की पॉकेट में, बिल्कुल वही सीन था, तो ये लड़का वही है। तो उसके पीछे गया फिर वो, चूँकि आगे वाली गली में साथ उनका पीछे घर था, तो ये गया भी है उसके पीछे मेरे भाई को ले गया, तो उसको भी इनके खुड़क गई है कि इनको ना मेरे शक पड़ गया कि मेरे पीछे आ रहे हैं। जब ये उसके पीछे चले को 100 फुट का फासला होगा, अब वो गली का टर्न ले गए, तो उन्होंने बताया मुझे कि जब हम गली के मोड़ पर पहुंचे ना, तो वो गली का मोड़ के साथ 15-20 फुट के मांग लो वो खड़ा हुआ था,
कि मेरे पीछे देखने के लिए कि पीछे तो नहीं आ रहे। तो जब ये मोड़ पर पहुंचे उसके पीछे तो वो जल्दी से वो आगे चल दिया, यानी कि उसको भी शक पड़ गया कि उनको मुझ पर शक पड़ गया। तो बारगा वो मेरे भतीजे ने बताया कि मेरा भाई छोटा, तो उसने ना बस इग्नोर किया, नहीं छोड़ो वो मैं वापस आ गए शक इस पर। एक दो लड़के और थे, उन्होंने भी उंगली इसकी तरफ उठाई थी कि ये लड़का जो है ना इस पर हमेशा के स्पिंडर हो गए। पर और मुख्तसर ये कि फिर इसका हमने नाम लिखवा दिया था जीआईडी को, वेरी वेरी सस्पेक्टेड कि इस लड़के को गिरफ्तार करके प्रॉपर ढंग इंटरव्यू किया जाए। उसके बाद वो डीएनए वगैरह होते रहे, ये डीएनए में भाग गया, इसने अपना डीएनए भी नहीं कराया, डीएनए में भी वहाँ से निकल गया ना, ये बीमारी का बहाना करके मुझे बाहर है। तो उसके बाद फिर हमने जीआईडी को दोबारा फोर्स किया, जीआईडी को भी इसको हर सूरत उठाए। हमारे मतलब ना जैनू के मामू थे, मेरे कज़न थे और दो, वो तीनों उनके घर गए इसकी तीमारदारी के बहाने। फिर उससे कबल ना इसने कोई मेडिसिन सिखाई है सुइसाइड करने के लिए, ये बाईपास पर कसूर बाईपास पर गिरा पड़ा था वहाँ पर, किसी ने देखा, उन्होंने कोई वहाँ से हमारा मलेदार गुजरा था उसने पहचान लिया इसको, तो उन्होंने इन किसके चचा को फ़ोन करके तला दी, ये यहाँ पर गिरा पड़ा, इसको उठाए ले के जाए, वो वहाँ से घर ले गए 1122 पर, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो ये सारी सूरत हाल है ना हमारे लड़कों के में आए थे, तो उन्होंने फिर ना इनके घर गया इसकी तीमारदारी करने के लिए, कि जब इसको गिरफ्तार कराया उस वक्त भी ये वहाँ से मतलब दौरा पड़ गया, निकलाया डीएनए के वक्त भी मैं तो बाहर है निकला, वहाँ पर भी ये गिरा पड़ा था, ये मामला क्या है, वो इनके तीमारदारी के कारण ना इसके बाद इसके घर गए, वहाँ पर घंटा बैठे रहे, मुख्तलिफ तरीके से तीमारदारी के मुख्तलिफ सवाल सूल किए, इसको कभी हार्ट का मसला हुआ नहीं हुआ, कुछ दौरा पड़ता नहीं, कभी बीमार हुआ नहीं कुछ, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से ना एक किस्म की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस्म लिखी इस पर। और उसके बाद आगे फिर जेआईडी वापस आ गए, उसके बाद फिर आगे जेआईडी को फोर्स किया कि इस लड़के को उठाया हर सूरत। फिर उस वक्त उन्होंने वो थी गालमन 20 तारीख थी, 20 जनवरी की डेट थी, उन्होंने उसको उठाया घर से और इसका डीएनए लिया, डीएनए लिया तो 23 को उसका डीएनए मैच कर गया, 23 मंगल था, मंगल का दिन था, 23 जनवरी को इसका फिर डीएनए जब उधर मैच हुआ तो फिर मतलब उन्होंने तो हमें किसी को नहीं बताया, लेकिन इसको घर से उठा के लिया गया फिर, क्योंकि उन्होंने जब इसका डीएनए लिया उसको फिर इसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। तो अब जब इसका डीएनए मिला तो डीएनए से फिर 100% वेरीफाई हो गया भाई, यही है, बल्कि इवन बाद पता चला कि बाकी जो उससे कपड़ों सादा लड़कियों के वाकत हैं वो भी डीएनए से इसके साथ मैच कर गया। यहाँ से फिर ये हमने आपको मुलजम से बुलवाना वहाँ पर लेके गया, लेकिन वहाँ पर मुलजम से तो ना मुलाकात हो रही, अब सीएम के पास लेके जाना है सीएम ऑफिस, तो वहाँ से बैठे रहे कुछ घंटा डेढ़ घंटा, सीएम ऑफिस लेके आ गए मुलजमपुर, उधर मुलजमपुर बुलाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी मुलाकात नहीं कराई इन्होंने। तो वहाँ पर वो फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अरेंज किया हुआ था सीएम साहब ने अपने शिवाजी साहब ने, तो वहाँ पर फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब वहाँ पर इन्होंने बताया फिर कि मुलजम को हमने जो है ना प्रॉपर एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐलान किया कि मुलजम जो पकड़ा जा चुका है, कैसे कैसे पकड़ा डीएनए के जरिए जो सारा सिलसिला।